हेलो माय लवली पीपल, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग के सामने फिर से आ चुकी हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर। सो आज का वीडियो है टॉप्स हॉल फ्रॉम मीशो। यस, मैंने मीशो से कुछ अराउंड 9 टॉप मीशो से मैंने मंगवाए हैं और सारे ही टॉप अंडर ₹200 है। कैन यू इमेजिन, जस्ट अंडर ₹200। और मैंने अभी तक कोई भी टॉप ट्राई नहीं किया है। आई हैव ओपन्ड द पार्सल्स टू चेक देयर कलर्स, आई हैवन्ट ट्राइड येट, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही ट्राई करना चाहती थी एंड आप लोगों के साथ ही उसका रिव्यू शेयर करना चाहूँगी। जो भी रिव्यू होगा जेन्युइन होगा, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया है। सो मेरे पार्सल सारे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं मुझे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर देना। सो आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दैट। सो मेरा पहला टॉप जो मैंने ऑर्डर किया है, दिस ब्यूटिफुल ग्रीन कलर टॉप, एंड आई गॉट दिस इन ₹190 ओनली। मुझे ये टॉप सिर्फ ₹190 में पड़ा है और इसका जो मैंने साइज ऑर्डर किया है वो एल साइज ऑर्डर किया है। फैब्रिक वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है, बट कलर इसका बहुत ब्राइट है। जैसा फोटो में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक थोड़ा ब्राइट कलर है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। पहनने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी कि ये कैसा लगेगा। फैब्रिक वाइज इट्स गुड, तो बाकी पहनने के बाद देखेंगे इसकी फिटिंग वगैरह सब कैसी आएगी, तो मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये टॉप पहनने के बाद कुछ इस टाइप से लग रहा है। इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, बट आगे से जैसे ये लग रहा था ना कि ये हार्ड होगा, ये हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। और बैक से ये कुछ इस टाइप का लग रहा है, बैक से क्रॉप है, फ्रंट से ये ऐसे वी शेप दे रहा है। और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही स्टाइलिश सा लुक दे रहा है। और कलर जितना मुझे ब्राइट लग रहा था पहनने के बाद, ये बहुत अच्छा लग रहा है कलर, बहुत डिफरेंट सा कलर लग रहा है। आई मीन ₹190 में तो यार और क्या मिलेगा, बहुत अच्छा टॉप है। मतलब इसको हम बाहर भी कैरी कर सकते हैं इजीली। इसकी स्लीव्स ऐसे फुल गिवन है, फुल स्लीव्स है, बट फैब्रिक बिल्कुल भी मोटा नहीं है, गर्मी लगने वाला फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं है, समर फ्रेंडली फैब्रिक है ये। और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसका कोड जो है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको भी पसंद आया तो आप ये जाके वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना नेक्स्ट टॉप। तो मैंने दूसरा टॉप जो मंगाया है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये ब्यूटीफुल सा लेवेंडर कलर का टॉप, एंड मुझे सेम कलर रिसीव हुआ है। ये मुझे पड़ा है ₹181 में और इसका साइज़ मैंने मंगाया है एम। बट इन टॉप्स में क्या था, इसमें जितने भी टॉप्स मैंने मंगाए हैं सबका मैंने जो सबसे लास्ट साइज था मैंने वो ऑर्डर किया, क्योंकि इसमें जो साइजेस थे ना वो मुझे छोटे लिखे हुए थे, तो इसका भी साइज जो था बहुत छोटा लिखा हुआ था, बट ये मुझे परफेक्ट आया, तो मैंने ऑर्डर कर लिए थे कि ट्राई करने में पता चलेगा कि साइजेस कैसे होंगे। तो ये कुछ इस टाइप का रिसीव हुआ है। इसका भी फैब्रिक सेम, जो ये वाला फैब्रिक है सेम यही फैब्रिक है, फैब्रिक में कोई भी वो नहीं है, दोनों का सेम फैब्रिक है। तो इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। इस पहनने के बाद ये टॉप कुछ इस टाइप से लुक दे रहा है, और ये जो डिस्क्रिप्शन में इसका साइज मेंशन था उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था ये मुझे नहीं आएगा, बट ये मुझे आ गया है। तो डिस्क्रिप्शन पे मत जाना, अपने अकॉर्डिंग अपना साइज बाय करना अगर आपको पसंद आता है। तो ये कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये कलर मेरा फेवरेट भी है, मुझे कलर बहुत पसंद है। तो इसका लुक कुछ इस टाइप से है और साइड में इस टाइप से इसमें डिज़ाइनिंग है, ये ओपन हो जाता है, इसको आपको नॉट करना पड़ेगा, ये दोनों साइड पे ये डिज़ाइनिंग है। और बैक से ये कुछ इस टाइप से लुक दे रहा है, क्रॉप टॉप है और इसकी जो स्लीव्स है वो शॉर्ट है, और ये भी बिल्कुल समर फ्रेंडली फैब्रिक है, इसमें भी आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली। आई एम जस्ट शॉक्ड कि ₹181 में इतने अच्छा टॉप मिला है, और वो पहले वाला टॉप भी बहुत सुंदर था। मतलब इतने फैब्रिक में, इतने प्राइस में इतना अच्छा टॉप, आई जस्ट कांट इमेजिन। तो इस टॉप का आप लोग देख सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना थर्ड टॉप। तो मैंने मेरा थर्ड टॉप जो बाय किया, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ब्राउन एंड ऑफ वाइट क्रीम कलर का है, बट मुझे जो कलर रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है ये ब्राउन एंड पिंक कलर। बट मैंने इसको रिटर्न नहीं किया क्योंकि मैं ट्राई करके देखना चाहती थी कि ये पहनने के बाद कैसा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। और ये मुझे पड़ा है ₹149 में और इसमें डिलीवरी चार्ज लग रहे थे ₹51, तो आफ्टर डिलीवरी ये मुझे पड़ा है ₹200 का। और इसमें मैंने साइज जो ऑर्डर किया है एक्सेल साइज, और ये उल्टा पैक किया हुआ है,
मैं वही देख रही हूँ इसमें स्टिचेस। नहीं, वैसे ही सीधा था, समझ नहीं आ रहा ये टॉप कैसे, आई डोंट नो। क्योंकि इसमें ये देखो बाहर की तरफ ऐसे सिलाई दिख रही है, आपको दिख रहा हो तो, ये बाहर की तरफ ऐसे सिलाई दिख रही है और अंदर की तरफ कैप्चर नहीं हो रहा, और अंदर की तरफ इसमें स्टिच नहीं दिख रही है, और ये जो इसका जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड इसका ये स्टिचेस साइड वाला ही है, क्योंकि जो ये साइड की स्टिच है ये नहीं दिख रही है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये टॉप कैसे है, आई डोंट नो। क्योंकि ये टॉप, ये देखो यहाँ से भी साइड से सारा स्टिच दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये टॉप उल्टा है। बट अगर मैं इसको टर्न करती हूँ, टर्न करने के बाद ये सारा ओके है, बट यहाँ साइड से फिर ये बहुत वुल बियर्ड लग रहा है, ये साइड से सारा स्टिच विजिबल है, फैब्रिक निकला हुआ, आई डोंट नो ये टॉप कैसे है। इसको पहन के देखते हैं, पहनने के बाद पता चलेगा कि इसका लुक कैसा लग रहा है और ये कैसे पहना जाएगा। तो मैं इसको पहन के, ये टॉप पहनने के बाद कुछ इस टाइप से लुक दे रहा है। मैंने बाद में ना पिक्चर चेक किया तो पिक्चर में ये सीम लाउंसेस सारी दिख रही है यहाँ से, तो यही इसका जो है राइट साइड है, तो मैंने ऐसे ही पहना है। बट ये मुझे टॉप कुछ खास नहीं लगा, मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगा। बैक से ये कुछ इस टाइप से है, और सेकंड इसका जो इस टाइप से ये डोरियां दे रखी है, इसको आप अपना एडजस्ट करके नॉट लगा सकते हैं ऐसे। साइड में ना इसमें फिनिशिंग भी नहीं है, ये देखिए यहाँ से थ्रेड्स भी निकल रहे हैं, तो मुझे ये टॉप नहीं पसंद आया। सेकंड इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन मंगाया था वो बहुत ही डिफरेंट था, और ये पिंक कलर आया, मुझे ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉप की तरफ। तो मैंने नेक्स्ट जो ऑर्डर किए हैं, ये दो टैंक टॉप्स ऑर्डर किए हैं, एक ही डिज़ाइन में दो कलर्स ऑर्डर किए हैं, एक ब्लैक और एक पिंक। ये मुझे पड़ा है 175 और ये मुझे पड़ा है 181 में, और दोनों के एक्सेल साइज मैंने ऑर्डर किए हैं। ये कुछ इस टाइप से है, दोनों का साइज सेम है, एक्सेल साइज मैंने ऑर्डर किए हैं। मैं टैंक टॉप ऐसे वेयर नहीं करती हूँ, तो इनको मैं अभी ट्राई करके नहीं दिखाऊंगी। ये दोनों एक्चुअली मैंने किसी टॉप के नीचे पहनने के लिए वेयर किए हैं, तो वो टॉप जब मैं पहनूंगी तब इनको वेयर करूंगी, तब मैं आपको इसका ट्राई ऑन दिखाऊंगी कि ये कैसा लगेगा। तो मैं खाली टैंक टॉप आपको पहन के अभी नहीं दिखाऊंगी। तो मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट टॉप, जो मैंने मंगाई है ये फ्लावर डिज़ाइन की वाइट शर्ट। ये मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और जो ये ट्रांसपेरेंट थी तो मुझे उस वजह से और ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो मुझे ये कुछ इस टाइप की रिसीव हुई है, और ये मुझे पड़ी है 180 रुपीज़ की। और इसमें मैंने साइज ऑर्डर किया था लार्ज साइज, ये कुछ इस टाइप की है, और आगे से ये नॉट वाली है, बट जितना ट्रांस ट उसमें दिखा रहे हैं उतना ट्रांसपेरेंट तो ये नहीं है। ये देख सकते, ट्रांसपेरेंट तो आई थिंक ये है ही नहीं जितना ट्रांसपेरेंट पिक्चर में शो कर रहे हैं। तो मैं इसको पहन के दिखाऊँ। पहनने के बाद ये कुछ इस टाइप से लुक दे रहा है, बट आप देख सकते हैं जितना पिक्चर में ये ट्रांजी था उतना ट्रांजी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ब्लैक टैंक टॉप इसी के नीचे पहनने के लिए मंगाया था, और मैंने अभी पहना भी हुआ है, बट आपको विजिबल नहीं हो रहा था क्योंकि ये ट्रांजी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ट्रांजी चाहिए था कि वो थोड़ा सा लुक आए, ब्लैक जो मैं मंगवाया वो विजिबल हो, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी कम पसंद आ रही है। अदरवाइज क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और ये जो फ्लावर प्रिंट्स वगैरह बिल्कुल सेम है, इसका नॉट वगैरह एग्जैक्टली द सेम है, बस थोड़ा ट्रांजी की कमी है। मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, मैंने इसके नीचे टैंक टॉप पहना है, तो जो मैंने ये ब्लैक कलर का टैंक टॉप मंगाया था ये मैंने इसके नीचे पहना है, और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। इतना कंफर्टेबल है, और इसकी जो ये इतना आई थिंक इतना आ रहा है, ये मुझे इतना आ रहा है, तो इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ क्योंकि ये ऐसे भी बहुत क्लासी लग रहा है। बट मुझे वो ट्रांजी वाला लुक ज्यादा पसंद आ रहा था, कि मैं इसको पहनूं और नीचे से वो ट्रांजी हो और नीचे से वो टैंक टॉप दिखे, तो वो लुक मुझे ज्यादा पसंद था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लुक अच्छा है या ट्रांजी वाला अच्छा लगेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बाद मैं आगे डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर देना प्लीज। तो मैं दिखाती हूँ अब आपको अपना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉप जो मैंने ऑर्डर किया है ये ब्यूटीफुल सा मेहरून कलर का जैकेट टॉप नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा सा श्रग टाइप बोल सकते हैं, और कलर मुझे एग्जैक्टली द सेम रिसीव हुआ है।
फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, और आगे से जैसा इसका डिज़ाइन था सेम वैसा ऐसे नॉट वाला एंड बाकी ओपन है। और ये मुझे 185 में रिसीव हुआ है, और इसका जो मैंने साइज़ ऑर्डर किया है वो एल साइज़ ऑर्डर किया है, और जो ये पिंक टैंक टॉप मैंने ऑर्डर किया है वो इसी के नीचे पहनने के लिए ऑर्डर किया है, तो मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसा लुक है। पहनने के बाद ये कुछ इस टाइप से लुक दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसके नीचे टैंक टॉप भी बिल्कुल मैच कर रहा है और फुल स्लीव्स है। और एक्चुअली मुझे ना गर्मियों में फुल स्लीव्स आजकल मैं प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि टैनिंग नहीं होती है, और सेकंड इसकी स्लीव्स पे आप देखें तो इस टाइप से ये ऐसे जिगजैग डिज़ाइन है, और सेम ही डिज़ाइन इसकी ये एंड्स पे भी है पूरा पीछे से लेके या साइड तक, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और कम्फर्टेबल फैब्रिक है, मतलब मुझे पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और आप लुक तो इसका देख ही सकते हैं पहनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से टैंक टॉप के साथ आप पेयर अप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके नीचे आप वाइट ब्लैक कोई भी टैंक टॉप पहन सकते हैं, अगर मैं इसको ब्लैक के साथ पहनूं तो ब्लैक के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, बट मैंने पिंक के साथ मंगाया, मैंने अलग अलग टैंक टॉप मंगाए थे तो मेरे लिए तो ये एक ही टॉप है, लेकिन अगर आप टैंक टॉप ऐसे अलग से वेयर करते हैं तो आपके लिए ये अलग से एक और टॉप हो गया। सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ये कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉप। सो नेक्स्ट टॉप जो मैंने ऑर्डर किया है ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक टॉप, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इसका डिज़ाइन था, तो ये मैंने ऑर्डर किया है, मुझे ये ब्लैक कलर में रिसीव हुआ है। ये टॉप मुझे पड़ा है 190 रुपीज़ का, और इसका साइज़ जो मैंने ऑर्डर किया है लार्ज साइज़, और ये जैसा दिखाया है वैसा ही रिसीव हुआ है, और ये पीछे से इस टाइप से बैकलेस है, और इसका फैब्रिक भी जैसे बाकी टॉप्स का फैब्रिक है वही फैब्रिक है, तो इसको मैं ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो ट्राई करके देखते हैं इसको ये कैसा लगेगा। ये पहनने के बाद कुछ इस टाइप से लुक दे रहा है, आगे से बहुत बेसिक सा लुक है और फुल स्लीव्स है और क्रॉप टॉप है, बट बैक से ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, आप देख सकते हैं बैक से पूरा स्टाइलिश लुक दे रहा है ये, बैक से मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फ्रंट से थोड़ा कम पसंद आ रहा है, I don't know क्यों, बैक से तो ये बहुत ज़्यादा सेक्सी है, इसकी बैक इतनी सेक्सी है कि मैं फ्रंट में भी एडजस्ट कर लूँगी, मुझे बैक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है इसकी। तो लुक आप इसका देख सकते हैं कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा हो तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना। सो गाइज ये है मेरा लास्ट टॉप जो मैंने ऑर्डर किया है, ये भी बैकलेस टॉप है, और ये भी मुझे कुछ अलग सा लग रहा था तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया, और प्राइस भी बहुत कम था तो मुझे कलर बिल्कुल सेम रिसीव हुआ है, और ये भी मुझे 190 रुपीज़ में रिसीव हुआ है, और साइज मैंने इसका ऑर्डर किया है एल। तो ये कुछ इस टाइप का है, और कुछ देखने में तो ये बिल्कुल ब्लैक के जैसा ही लग रहा है, तो आई डोंट नो इसमें डिफरेंस क्या है, पहनने के बाद पता चलेगा, तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसका लुक कुछ इस टाइप से है, जो मैंने पहले ब्लैक पहना था कुछ उसी टाइप का लुक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसका जो ये स्ट्रिंग है ये ऐसे साइड से जा रहा है, और उसका स्ट्रिंग ऐसे बीच में से आ रहा था, और बहुत लंबा स्ट्रिंग है कि ये आगे आके ऐसे दोबारा रोटेट होके ये पीछे बंद हुआ है, बैक वगैरह बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम है। मेरे लिए ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, मुझे थोड़ा सा ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ऊपर खींच रही है, ये यहाँ तक भी होती ना तो मुझे कम्फर्टेबल होती, बट ये बहुत ऊपर तक जा रही है, खींच रही है, ऊपर की साइड खींच रही है, क्योंकि ये नेकलाइन भी ना गले में मैंने फंसाया है लिटरली, बहुत छोटा नेकलाइन है ये। तो लुक तो आप इसकी देख सकते हो कैसी आई है। तो गाइज ये टॉप्स थे जो मैंने ऑर्डर किए थे, और सारे ही 200 की रेंज के बिलो में थे, कोई भी टॉप 200 की रेंज से ऊपर का नहीं था, एक दो टॉप में है जो डिलीवरी चार्ज लग रहा है तो उस वजह से वो रेट से थोड़ा सा हाई हो रहा है, अदरवाइज सब 200 की रेंज में थे। तो आपको ये टॉप कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझ पर कौन सा टॉप अच्छा लगा कौन सा नहीं लगा वो भी ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।